नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। दोस्तों एक बार हम फिर से बात करने वाले हैं बॉलीवुड के हैंडसम हंक के नाम से जाने जाने वाले बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक सुपरस्टार ऋतिक रोशन। इनकी साल 2024 की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म फाइटर के बारे में, जो कि लगभग 28 दिनों के इंतजार के बाद सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। लेकिन दोस्तों आप सभी को जानकर थोड़ी निराशा होगी कि इस फिल्म का हाइप सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा कम देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के रिलीज में लगभग 28 दिनों का ही इंतजार बचा, लेकिन इस फिल्म का हाइप सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा कम हो चुका है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म को रिलीज के इतने दिन पहले बुक माई शो पर सिर्फ 37,400 इंटरेस्ट ही मिले हैं। वहीं एक और पैन इंडिया फिल्म हनुमान को लगभग 1,00,000 से भी ज्यादा इंटरेस्ट मिल चुके हैं दोस्तों, जिसके पीछे का कारण भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म फाइटर का ट्रेलर बनकर तैयार हो चुका है, जो कि काफी जल्दी रिलीज होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि फिल्म फाइटर के ट्रेलर को 10 जनवरी के दिन रिलीज किया जा सकता है और काफी जल्दी फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि फाइटर के टीजर में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस टीजर में हमें ऋतिक रोशन का एक भी डायलॉग सुनने को नहीं मिला। साथ ही इस टीजर से फिल्म की स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला, जिसकी वजह से इस फिल्म का हाइप सोशल मीडिया पे काफी कम है। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी ये फिल्म IMDb की रेटिंग पर नंबर 1 पर आ चुकी है और वहाँ पर फिल्म का काफी अच्छा हाइप देखा जा रहा है। फिर भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अपने पहले दिन ये फिल्म काफी अच्छी ओपनिंग लेने वाली है। हो सकता है अगर फिल्म के ट्रेलर को काफी आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स मिले तो ये फिल्म पहले दिन काफी शानदार ओपनिंग ले सकती है। तो दोस्तों आप सभी का इस बारे में क्या कहना है, क्या फिल्म फाइटर अपने लाइफ टाइम में काफी अच्छा कलेक्शन करते हुए एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बन सकती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।